कि कोई लड़का है जो BA BSc करने आ रहा है और गुड नहीं है इंग्लिश में, तो क्या पूरा चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि हिंदी भी इंक्लूड? नहीं नहीं, बाय लैंग्वेज है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ज्योग्राफी में उनको 100% प्लेसमेंट है। ये MA करने वालों के लिए कि रिमोट सेंसिंग? नहीं, हम कहते हैं कि हम BA कर रहे हैं BHU से ज्योग्राफी में, तो लोग कहते हैं नहीं ये BA डिग्री नहीं है, BA cum BSc डिग्री है। ज्योग्राफी को इसमें हमारा यहाँ साइंस में है। जैसे कोई BA ज्योग्राफी करने के बाद क्या MSc ज्योग्राफी कर सकता है? BSc ज्योग्राफी वाले को MSc ज्योग्राफी की डिग्री मिलेगी। सर ये रिमोट सेंसिंग में क्या पढ़ाया जाता है? मैं अभी एक साल पहले ये लेने वाला था लेकिन नहीं लिया। हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ जो है 60,000 रुपया पर मंथ पर गया था। तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा एग्जांपल जो आज बहुत ही बड़े लेवल पे हो? पिछले एलुमनाई हैं वो लोग, कुछ लोग ब्रिटेन में भी काम करते हैं, दो बार विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। फॉरेन से भी लोग क्या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं? अभी भी हैं और अब्रॉड कंट्री हमारे से डिप्लोमा में अब्रॉड कंट्री से बच्चे हैं। डिप्लोमा सिर्फ एक ही चलता है कि दो? सेंसिंग पे रिमोट सेंसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, 60,000 फीस लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद लोग कहते हैं PG डिप्लोमा कर सकते हैं। और हमने एक बार फेसबुक पे एक एलुमनाई को देखा जिन्होंने रिमोट सेंसिंग से डिप्लोमा किया था BHU से और वो फिर कहीं प्रोफेसर बन गई थी, शायद यहीं पे प्रोफेसर थी या कहीं और पे एफिलेटेड कॉलेज में कहीं प्रोफेसर हैं। तो क्या है ये रिमोट सेंसिंग, कैसे ये काम करेगा, कैसे हम इनरोल हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? देखिए रिमोट सेंसिंग जो है ये तो एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ओके सर। और दूसरी बात, जो 60,000 रुपये आप करें फीस, तो वो कोर्स तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है और हमारे कोर्स में जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जो जिनके फादर की आय 2.5 लाख से कम है उनका फेलोशिप के माध्यम से पूरा पैसा वापस हो जाता है। वापस भी हो जाता है? वापस हो जाता है। हाँ हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार, कई सरकारें हैं जो कि भारत स्टेट गवर्नमेंट वापस। दूसरी बात, हमारे कोर्स में जो बच्चे आते हैं वो भी जनरली बच्चे हमारे यहाँ जो से ज्योग्राफी के बच्चे होते हैं और प्लस साइंस के बैकग्राउंड के होते हैं, BTech के बच्चे होते हैं। अच्छा। BTech के सिविल्स के और मैकेनिकल इन्वायरमेंटल साइंस के मास्टर डिग्री से आते हैं। सभी बच्चों को जॉब 100% हमारे यहाँ प्लेसमेंट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ज्योग्राफी में उनको 100% प्लेसमेंट है। ये MA करने वालों के लिए कि रिमोट सेंसिंग? नहीं, हमारे यहाँ बेसिक जो डिग्री इसकी है BSc है, BA विथ बैचलर्स विथ मीन्स ज्योग्राफी से हो। हाँ। और BSc मतलब बैचलर लेवल की डिग्री है और अब हम PG डिप्लोमा उनको देते हैं। सर क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि हम BA कर रहे हैं BHU से ज्योग्राफी में, तो लोग कहते हैं नहीं ये BA डिग्री नहीं है, BA cum BSc डिग्री है। तो क्या ये हमारे यहाँ जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BA/BSc की डिग्री दी जाती है, ठीक है, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को इसमें हमारा यहाँ साइंस में है। ओके। हाँ, साइंस पूरे साइंस के कैंपस में ही आता है ये। जी जी, ठीक है। तो सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, मैं भी एक स्टूडेंट यहाँ कर रहा हूँ, जैसे कोई BA ज्योग्राफी करने के बाद क्या MSc ज्योग्राफी कर सकता है? BA ज्योग्राफी करने के बाद MSc ज्योग्राफी? BA की है तो MA की डिग्री मिलेगी। MA ही करना पड़ेगा, MSc नहीं कर सकते? नहीं, नहीं। और ये रिमोट सेंसिंग के लिए आप लोग, आप कह रहे हैं BTech के लोग आ सकते हैं और BA वाले भी लोग, BA ज्योग्राफी वाले भी, BSc ज्योग्राफी वाले आ सकते हैं? BSc ज्योग्राफी ना, BSc एनी डिसिप्लिन। BSc ज्योग्राफी वाले तो MA ज्योग्राफी कर सकते होंगे? BSc ज्योग्राफी वाले को MSc ज्योग्राफी की डिग्री मिलेगी। वो MA नहीं कर सकते? नहीं, MA नहीं मिलेगी उनको, BSc जो है तो उस मास्टर में उसको MSc की डिग्री मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि BSc अगर हम कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से तो MA कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, BSc MA तो आप कर सकते हैं, अगर ज्योग्राफी में करेंगे तो उसको हम यहाँ पे MSc डिग्री मिलती है। MSc डिग्री। और सर ये रिमोट सेंसिंग में क्या पढ़ाया जाता है? मैं अभी एक साल पहले ये लेने वाला था लेकिन नहीं लिया। क्या पढ़ाया जाता है रिमोट सेंसिंग में? देखिए हमारे यहाँ 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी और रिमोट सेंसिंग GIS के बारे में पढ़ाते हैं। ओके। हमारे यहाँ का कुल 17 फैकल्टी मेंबर्स हैं। इस कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर APमिश्रा साहब हैं। ओके सर। और उनके दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ ये कोर्स 2008 से चल रहा है। 2008 से चल रहा है और अच्छा इसका रिस्पांस है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर एक कोर्स चल रहा है तो इसका रिस्पांस भी अच्छा है। और हमारे यहाँ जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं मीन्स यहाँ से जो पास होते हैं वो डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हीं वही हमारे एम्बेसडर हैं, उन्हीं के माध्यम से कंपनी हमारे यहाँ आती है। पिछले साल हमारे यहाँ 5 कंपनियाँ आई थी, एयरसेट आई थी और साइटिकॉन आई थी, एम्बिशन आई थी और मैप माई इंडिया आया था। क्या पैकेज दे रहे हैं इन लोग? वो डिफरेंट जिस प्रकार की उनकी काबिलियत उस हिसाब से उनको पैकेज मिलता है। तो हाइस्ट पैकेज हमारे यहाँ जो है 60,000 रुपया पर मंथ पर गया था। वाह, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे क्या पुराने एलुमिनाई का भी लौट करके आया है कि रिमोट सेंसिंग से मैं पढ़ा? हमारे यहाँ बच्चे हमेशा आते जाते रहते वो हैं। हाँ। वही हमारे एम्बेसडर है, वही हमको बताते हैं कि सर यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे जॉब है, आप अप्लाई करिए।
अपने बच्चों को फ्रेशर बच्चों को लिए हमेशा वो लोग प्रयास तो रहते हैं। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि हम लोग का सीवी वगैरह जो है कंपनियों को भेज करके बढ़िया से बकायदा सारा काम होता है, जॉब दिलाने का काम जॉब मिल जाती है। अच्छा सर, अगर हम जैसे बच्चों से तो पूछते हैं तो ये 2-3 साल का एक्सपीरियंस ही हमसे शेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर हम आपसे पूछें तो काफ़ी दिन से आप सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा एग्जांपल जो आज बहुत ही बड़े लेवल पे हो जिसको आप गर्व करें बोल करके? ज्योग्राफी डिपार्टमेंट तो भाई बहुत से बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पे रहे और विद्वान रहे हैं उन, हम तो भाई ये जानते हैं कि ज्योग्राफी सिविल्स के लिए अच्छी सब्जेक्ट मानी जाती है, तो अच्छे ISPCS और भूगोल बहुत ज़्यादा हैं पूरे, हमें लगता है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं वहाँ हमारे विश्वविद्यालय का एक छात्र जरूर होंगे। इतना प्रतिष्ठित है ये जी जी। यहाँ बीएचयू ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर जैसे पीनाक सर थे, ज्योग्राफी के एचओडी थे, ये जो है सर क्या थे सर वैसे? वो तो 2 बार विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे। अच्छा, वो यहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट वर्तमान रजिस्ट्रार साहब भी तो हमारे डिपार्टमेंट से। हाँ, बीएचयू के रजिस्ट्रार साहब जो है साहब बोले हमारे सर लगेंगे, वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के ही सर है ना? प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह सर हमारे ही डिपार्टमेंट से है, महिला महाविद्यालय से। क्या खासियत थी कि उनको रजिस्ट्रार बना दिया और सबको छोड़ दिया? उनका ज्योग्राफी के खूबसूरत है, खूबसूरती है, खूबसूरती है और क्या। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हमारे डिपार्टमेंट के काफ़ी विद्वान पहले भी रहे, प्रोफेसर ओमकार सिंह सर, प्रोफेसर वी के कुबरा सर पहले भी रजिस्ट्रार रहे। और स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे बच्चों की अच्छी है? दे आर एंजॉइंग देयर बेस्ट। हम लोग तो भाई हम लोग का प्रयास रहता है छात्र के लिए काम करना है। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सैलरी इसी काम के लिए देती है। बहुत दूर से अलग है और अब्रॉड कंट्री हमारे पास है, आते हैं फॉरेन से भी लोग। क्या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ाई करते हैं? अभी भी हैं और अब्रॉड कंट्री हमारे से डिप्लोमा में अब्रॉड कंट्री से बच्चे हैं। डिप्लोमा सिर्फ एक ही चलता है कि दो? नहीं, हमारे एक डिप्लोमा रिमोट सेंसिंग से। लेक्चर्स देने के लिए भी अब्रॉड से लोग आते हैं? आते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ स्पेशल लेक्चर हमेशा होता रहता है और बच्चे भी आते हैं बाहर से। मतलब ये चीज़ें सही हैं, हमें बाहर की फैकल्टी गेस्ट लेक्चर भी बुलाते हैं? आप बुलाते हैं, बुलाते हैं हमारे पास जैसे IRS से अभी IAS हैं JP सिंह सर आए थे, फिर और इसरो के डायरेक्टर CS झा सर आए थे। अच्छा, जतन वेस्लेट आए थे। और सर लोग बोलते हैं कि बिहार पृष्ठभूमि से भी लोग आते हैं, झारखंड से आते हैं, दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश नहीं, उनका सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान है, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कोई लड़का है जो BA BSc करने आ रहा है और गुड नहीं है इंग्लिश में, तो क्या पूरा चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि हिंदी भी इंक्लूड? नहीं, बाय लैंग्वेज है, बाय लैंग्वेज। हाँ, बाय लैंग्वेज। लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ। ज़्यादातर प्रयास हम लोग, चूँकि हमारा कोर्स रिमोट सेंसिंग GIS जो है, हम लोग इंग्लिश में चलाते हैं। ओके, लेकिन अगर बच्चों की असुविधा है तो हम लोग बाय लैंग्वेज में भी चलाते हैं। पहले मैं चला जाते हैं। हाँ प्रोफेसर बताते, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। और क्या भाई साहब, सर सही बोल रहे थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई हो रही है? अब्रॉड अब्रॉड कंट्रीज नहीं 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 असम से असम से नहीं नहीं सर असम से नहीं जी असम में असम में सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। कहाँ से असम में? असम से डिखू। डिखू यहाँ पे हॉस्टल मिला कि कहीं? नहीं नहीं, रूम लेके हूँ। रूम लेके रह रहे हैं यहाँ पर? लड़कियों के लिए व्यवस्था हम लोग करा दिए हैं। ये डिप्लोमा वाले में? डिप्लोमा में लड़कियों के लिए 100% वो हॉस्टल है, लेकिन बॉयज़ के लिए अभी नहीं हो पाया, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आगे दिनों में हो जाएगा। कितनी सीट है डिप्लोमा में टोटल? कुल 49 सीट है। 49 सीट और 60,000 इसका फीस, एक साल का पूरा 60,000। और हम हॉस्टल भी पा लेते हैं? हॉस्टल भी मिल जाता है। लड़कों को कितने लोगों को दे दिया हॉस्टल सर? अभी तो हम लोगों को इस बार हम लोग प्रयासरत थे, लेकिन चूंकि 1 ईयर प्रोग्राम में नहीं मिल पाया, लेकिन लड़कियों के लिए 100% है। क्यों सर लड़कियों को 100%, लड़कों को नहीं? नहीं, लड़के के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, चूँकि अभी हॉस्टल कुछ कंस्ट्रक्शन में है, और लड़कियों के लिए इसलिए मिल गया कि UPG गर्ल्स हॉस्टल जो बना बालिकाओं के लिए बना है, तो नया बना उनके अवेलेबल हो गया। काफ़ी बच्चों के लिए, मतलब लड़कों के लिए भी हमारे यहाँ प्रयासरत हम लोग हैं। हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी सर का बहुत सहयोग रहता है, प्रोफेसर मल्लिका अंगवाल हमारे हेड साहब भी काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, तो इसलिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जो? बहुत अच्छी यहाँ पे काम करने में मज़ा आता है। एक शहर बोल दें भी तो कोई दिक्कत नहीं है? BHU कैसा शहर, छोटा सा ना? जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा शहर है, और यहाँ पर काम करने का एक नेचर है। हम लोग हमेशा काम को यहाँ पर लिंगर नहीं किया जाता है, काम को करके ख़त्म करने में विश्वास करते हैं। ओके, ठीक है, हमेशा काम को अच्छे प्रोग्रेस में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टूडेंट से आपका समन्वय बढ़िया बना रहता है? बिल्कुल भाई, हम उनके ही नौकरी करते हैं ना।
ठीक है, हम उन्हीं की नौकरी कर। सही बोल रहे ना सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना? हाल ही में 2 महीने के अंदर हम लोग 2 टूर कर चुके हैं सर की मदद से। हम लोग अच्छा ये टूर सिर्फ हमारे कोर्स में होता है सर की मेहरबानी है, और कोई कोई नहीं टूर होता है। अच्छा आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं इसी रिमोट सेंसिंग से? टूर कराने कहाँ लेके गए आप लोगों को? हम लोग चित्रकूट गए, रेणुसागर गए, अभी आया है रेणुकूट गए थे। दूसरा पहला चित्रकूट, दूसरा रेणुकूट। तो चित्रकूट जाकर के क्या किया? चित्रकूट में जीपीएस वगैरह को यूज करना कि जैसे जगह जगह पे जाके उसकी लोकेशन को फाइंड करके फिर वहाँ पे कितना इरोजन हो रहा है, कितना वेदरिंग हो रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों ने वहाँ सीखा। और जो जो हम लोग रेणुकूट गए थे वो टोटल स्टेशन सर्वे था, उसमें क्या था जगह जगह जाके लोकेशन वगैरह पे सेटेलाइट्स से जो है लोकेशन निकाल के उनको एक मैप पे ला के उनको डिजिटाइज करके कि यहाँ ये चीज़ें हैं, तो ये टोटल स्टेशन सर्वे टेक्निकल चीज़ें हैं दोस्तों। बात दरअसल ये है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ इनकलकेट करना है, सारी चीज़ें करनी है, फील्ड वर्क करना है, और उसके बाद कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा काम है इसमें। बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं, QGIS, ArcGIS, ADAS, ये सब कंप्यूटर बेस्ड ही सॉफ्टवेयर होते हैं। वर्थ है ये 6,500 देना मतलब ना? और क्या एडमिशन के लिए 2-3 हज़ार जो है देना पड़ता है, वो जो यूनिवर्सिटी फीस होता है 3,000 रुपए। एग्जाम शॉर्टलिस्ट करते हैं, परसेंटेज मेरिट बेस्ड और इंटरव्यू होता है। मेरिट बेस्ड होता है, इंटरव्यू होता है, एग्जाम एग्जाम नहीं होते। मेरिट बेस्ड कौन सा मेरिट देखा जाता है? ग्रेजुएशन वाला? ग्रेजुएशन का और दोनों? नहीं नहीं, तीनों मिला के मेरिट बनेगी, और उसके बाद इंटरव्यू का जो आपका वो है तो उसके बाद फाइनल लिस्ट है। जैसे हमारे यहाँ पत्रकारिता में लगभग 30 सीट है और भरे थे केवल 3 लोग, तो आप लोगों में 49 सीट है, तो भरे कितने लोग होते हैं वैसे? नहीं नहीं, 80 लोग भरे थे। 80 लोगों में से कौन कॉम्पिटिशन होगा और 49 लोग यहाँ पे असेंबल होंगे? इसमें 40 लोग ही है, 9 लोग नहीं हो पाए। बहुत लोग भरे थे, उनका सिलेक्शन 40 लोग का हुआ क्योंकि यहाँ सीट ही 40 है। और इंटरव्यू में कुछ पूछता रीजन रहता है, बड़ा रीजन है कि 60,000 रुपए है। हाँ। तो भाई अब 60,000 रुपए अगर देंगे तभी तो एडमिशन होगा। आपका लिस्ट में जारी तो हो गया नाम, लेकिन आप जो है 60,000 रुपए जमा नहीं कर पाए। अब 60,000 अमाउंट कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, या कोई मिडिल क्लास का बच्चा है जो फट से पे कर दे भाई, ऐसे व्यवस्था करके ही आदमी देगा। लेकिन ये इकट्ठा 60,000 पे करना होता है ना? हाँ, एक बार पे करना होता है। और किसको पे करना होता है? ये SBI का बना के DD बना के आपको यहाँ पे जो है रजिस्ट्रार के नाम से DD बना के यहाँ पे, और जो SBI कलेक्ट की बात है वो जो एडमिशन फीस यहाँ का है वो लगेगा। कोई भी कैश एडमिशन नहीं होता, तो आप कैश लेकर के नहीं, आप DD और सारे जो सरकारी प्रोसेस है और सब चीजों से चलना है। और डिप्लोमा का फॉर्म ये हमें BHOonline.in पे जाकर के भरना होगा। किसी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज आपके पास है या नहीं है, आपके पास कोई आइडिया है कि नहीं? अब जैसे आप रिमोट सेंसिंग एंड GIS कोर्स का नाम है, अब आपको पता ही नहीं कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, GIS क्या होता है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि वो आपको एक परख सके कि मैंने आपको आना इम्पोर्टेंट है, कोर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो भाई साहब बढ़िया, आप क्यों आपका नाम लेते ही लोग हंस क्यों दे रहे हैं वैसे? इनका नाम आदित्य फांगलो है। आदित्य फांगलो, हाँ। तो क्यों हंस रहे हैं इन लोग? ऐसे ही ऐसे दोस्त लोग हैं, दोस्त हंसेंगे। दे आर कनेक्टिंग फुंगसंग बांगड़ू विथ यू। क्यों? नहीं नहीं, BHU में सब बढ़िया? हाँ बढ़िया, सब चंगा, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों तो ये है पूरी कहानी एक छोटे से डिप्लोमा कोर्स की, इतनी बड़ी कहानी हमने आपको और टीचर से भी कोर्स छोटा है। कोर्स छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे क्या है कि जो लोग जो पिछले एलुमनाई हैं वो लोग कुछ लोग ब्रिटेन में भी काम करते हैं, कनाडा में भी काम करते हैं, अमेरिका में भी काम करते हैं, ऐसे जैसे 2-3 लोग हाल में हम लोग मेरे जानने में ऐसे लोग हैं जो ब्रिटेन में हैं अभी, क्योंकि उनका मुझे लगता है 1.5 साल में ही वो ब्रिटेन चले गए। और दे आर डूइंग दैट बेस्ट ना? तो ये है, और ये काफ़ी मतलब मैं अपने पौरुख पे आपको बता सकता हूँ कि बहुत ही बेस्ट है डिप्लोमा में। अगर आप तुरंत जॉब करना चाहते हो, एक छोटा सा डिप्लोमा 1 साल का परस्यू करो। फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग का एंड हुआ है अभी, हम लोगों ने CV जो है बना लिया है और CV सर को हम लोग दे दिए हैं। अब सर जो है हम लोगों को जॉब दिलाने के लिए हर कंपनियों में हम लोग की CV को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मिनिमम पैकेज बताते हैं कि मतलब हम आप लोगों को मिनिमम पैकेज जो है 25,000 इस तरीके से दिलाएं, क्योंकि कहीं भी आप जाके अगर रह के कहीं काम करते हैं तो इन सब की कंपनियां बेसिकली होती हैं नोएडा वगैरह में होती हैं, पुणे वगैरह में होती हैं, तो वहाँ रह के आप कोई चीज़ करते हैं तो 10,000 तो ऐसे ही खर्चा हो जाएगा रहने में, तो आप क्या कमाएंगे? वही तो कम से कम वही सर बोले कि 20,000-25,000 मिलेगा तो आप
थोड़ा सा पैसा भी अर्न कर पाएंगे और सीख भी पाएंगे, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसके बाद जैसे बिहार में अभी 40 पोस्ट आया था यूपीएससी के थ्रू, मतलब पीसीएस रैंक की, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है जीआईएस एनालिस्ट का तो आप उसको भर के आप जो है पीसीएस हो सकते हैं। काफी ढेर सारे स्कोप है इस कोर्सेज के। क्या नाम है वैसे आपका? समर प्रताप सिंह। और सर आपका? शिवान जायसवाल। और सर आपका? रोहित। आपका तो पूछ ले आदित्य। I will call you only Aditya. No fun. No laughing. No disrespecting. No issue with that. You can call him Fonglo as well. No issue. वो आदित्य से ज़्यादा Fonglo ही पसंद करता है। He is looking so cute, by the way, na. I'm really serious, man. Thank you. So this is all about our video. Continuous watch करते रहिए. बेंच वॉच जैसे आप कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट लाइफ देखते रहिए। और भी कुछ सुझाव लगे कि हमें ये भी चीज़ पूछना चाहिए, हमारे लिए ये भी चीज़ कर दीजिए, तो बताइएगा। आप ही के लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, किसी का नौकर नहीं, सिर्फ मैं आप लोगों का हूँ। तो फरमाइश लाइए, उस पर सारी वीडियो निकाली जाएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए अंदाज़ से। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।